नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के कहर के बीच लखनऊ का कॉल गर्ल कांड सुर्खियां बटोर रहा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, कैसे इसको लेकर के बीजेपी और समाजवादी पार्टी आ गई आमने सामने, और लखनऊ की जो पुलिस है वो कैसे चुप बैठी हुई है, इसी को जानने समझने की कोशिश करते हैं कि कोरोना काल में ये सब हुआ कैसे। दरअसल हुआ ये कि थाईलैंड से एक कॉल गर्ल लखनऊ में बुलाई जाती है अप्रैल के लास्ट में। वहाँ यहाँ आने के बाद 2-3 दिन बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो जाती है और 3 मई को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उसकी लखनऊ में ही डेथ हो जाती है। इसके बाद थाईलैंड के एम्बेसी से संपर्क किया गया। संपर्क किसने किया, क्या सरकारी संपर्क किया गया था या किसी निजी व्यक्ति ने संपर्क किया कि किसी तरीके से उसको एम्बेसी को सौंप दिया जाए बॉडी को, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद 8 मई को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ दिन की चुप्पी के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आईपी सिंह, वो सामने आए। उन्होंने बयान जारी किया और ट्वीट भी एक के बाद एक उन्होंने किया कि ऐसे ऐसे विदेशी युवती की, कॉल गर्ल की, यहाँ पे डेथ होती है, 7-7.5 लाख रुपया पेमेंट देकर के वो बुलाई गई थी। कोरोना के इस कहर के बीच कौन वो शख्स है जो ये अय्याशी कर रहा है और इस तरीके से उसकी डेथ के बाद सामने नहीं आ रहा है। उन्होंने जैसे ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद है संजय सेठ, उनके लड़के का नाम लिया और संजय सेठ का नाम लिया और कहा कि ये कारस्तानी संजय सेठ के बेटे की है। संजय सेठ राज्यसभा में है, बीजेपी के उद्योगपति हैं और प्रधानमंत्री के भी नज़दीकी हैं। उनके साथ उन्होंने एक फ़ोटो ट्वीट की और ये कहा कि आखिरकार इस पर ये चुप्पी क्यों, कार्रवाई क्यों नहीं, क्या लखनऊ पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कार्रवाई कर सके, ऐसा ऐसा यहाँ पर कांड हुआ है। इसके बाद उन्होंने मीडिया पर भी आग उगला कि लखनऊ की मीडिया जो है चुप बैठी है, क्योंकि ऐसी गुलाम मीडिया मैंने नहीं देखी पहले। इस तरीके की बात उन्होंने की क्योंकि मीडिया ने इसको सरगर्मी से उतना नहीं उठाया जितना कि वो चाह रहे थे। तो क्या इसलिए क्योंकि इसमें बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी नज़दीकी है, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल उठे। तो जब तक संजय सेठ चुप थे तब तक ये मामला एक तरफा चल रहा था। इसके बाद संजय सेठ भी सामने आया, उन्होंने ट्वीट किया कि इस पूरे प्रकरण से हमारे या हमारे परिवार का कोई लेना देना नहीं है, हमें बदनाम किया जा रहा है। और उन्होंने लखनऊ कमिश्नर को लिखी चिट्ठी भी जारी कर दी कि हमने चिट्ठी लिखी है कि अब इसकी निष्पक्ष जाँच कराइए, जो भी करना है कीजिए, ये हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ तक मसला पहुँचा। उसके पहले ही लखनऊ पुलिस ने एक छोटा सा बयान जारी कर दिया था कि इस मामले की जांच जो है डीसीपी ईस्ट जो है कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जैसे ही इसमें जानकारी मिलेगी सूचित किया जाएगा। इतना सब होने के बाद जब संजय सेठ सामने आए तो फिर जब उन्होंने बयान जारी किया तो फिर आईपी सिंह फिर से सामने आए। उन्होंने लेटेस्ट ट्वीट किया है कि कोई धनबल के बल पे हमें धमका नहीं सकता है, यदि संजय सेठ या उनका परिवार या उनका बेटा इस मामले में दूध के धुले हैं, इनका कोई हाथ नहीं है, तो फिर हमारे साथ आए, खड़े हों और सीबीआई जांच की मांग करें, तभी जाकर के निष्पक्ष जांच हो पाएगी। लखनऊ पुलिस से उन्हें निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। उन्होंने पहले जो आरोप लगाए थे उसमें ये भी आरोप लगाए थे कि लखनऊ पुलिस में दम है या यूपी पुलिस में दम है जो इस मामले में सही जाँच कर दे और जाँच करके कार्रवाई कर दे। फिर मीडिया पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी मीडिया मैंने इसके पहले नहीं देखी थी जो इस तरीके से सत्ता के सामने सरेंडर कर दे, वगैरह वगैरह। तो अब जैसे ही संजय सेठ सामने आ गए और आईपीसी सामने हो गए तो दोनों में जो है ट्विटर वार छिड़ गया है। इसी बीच में लखनऊ पुलिस ने बयान जारी करके ये बात भी कह दिया कि हाँ, हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। तो ये है पूरा लखनऊ का कॉल गर्ल कांड जिसको लेकर के इतना हंगामा मचा है। अब इस पर हमारी नज़र रहेगी कि जांच हो रही है तो किसका नाम आता है। किसी न किसी ने तो उसके बुलाया था तो वो कहाँ चला गया, कहाँ डिसअपियर हो गया, इस मौत के लिए जिम्मेदार किसको माना जाएगा, क्या उसको ढूंढ करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इस सारी चीज़ों पर नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इनका।